हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल किचन रेसिपीज़। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बनाएंगे मसाला चाय। तो मसाला चाय बनाने के लिए हमने लिया है ये काली मिर्च का पाउडर, कुछ टुकड़ा अदरक का, आधा छोटा चम्मच सौंफ, एक टुकड़ा दालचीनी, कुछ लौंग और कुछ छोटी इलायची। सभी चीज़ों को हम पहले कूटनी में डाल के दरदरा कूट लेंगे। तो ये देखिए, सभी चीज़ों को हमने कूट लिया है। तो ये टी पैन को हमने गर्म होने के लिए रख दिया है। अब हम इसमें दूध डाल देंगे। दूध को हम अच्छे से बॉईल आने तक पकाएंगे। तो ये देखिए, ये दूध में हमारे बहुत अच्छे तरीके से बॉईल आना स्टार्ट हो गया है। अब हम इसमें कुटे हुए मसालों को डाल देंगे। अब 2 मिनट के लिए हम दूध और मसालों को एक साथ अच्छे से पका लेंगे। इसके बाद हम इसमें स्वाद के अनुसार चीनी डाल देंगे। अब हम इसमें आधा छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे। साथ ही में हम इसमें चाय पत्ती डाल देंगे। चाय पत्ती डालने के बाद 3 से 4 मिनट के लिए हम चाय को अच्छे से उबलने देंगे। तो ये हमारी मसाला चाय बनके बिल्कुल तैयार है। इसे हम मक्के के चिप्स के साथ सर्व करेंगे। तो चलिए हम उसे भी तल लेते हैं। तो ये देखिए, ये हमने थोड़े से मक्के के चिप्स लिए हैं। ये आसानी से बाजार में मिल जाते हैं। तो कढ़ाई में हमने तेल को अच्छे से गर्म कर लिया है। इसमें हम चिप्स को तल लेंगे। तो ये चिप्स हमारे बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं, इन्हें हम निकाल लेंगे। अब हम इसमें ऊपर से थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक मिला देंगे, क्योंकि इस चिप्स में बिल्कुल भी नमक नहीं होता है, इसीलिए हमें नमक अलग से ऐड करना पड़ता है इसमें। सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारे मक्का का चिप्स भी बन के बिल्कुल तैयार है। तो चाय को छानने के लिए हमने इस तरह से मिट्टी का बर्तन लिया है। आप चाहें तो इसे नॉर्मल स्टील के ग्लास में सर्व कर सकते हैं। तो आज की रेसिपी आपको हमारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये हमारा बिल्कुल गर्मा गर्म मसाला चाय और मसालेदार चिप्स बन के बिल्कुल तैयार है। तो अगर नॉर्मल चाय पीते पीते हो गए हैं बोर, तो आप इसे बना के एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो ऐसे ही ढेरों आसान रेसिपीज के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और जाते जाते वीडियो को लाइक करते जाएं। थैंक यू।